नागौर जिले की 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की दावेदारी। भाजपा से 4 सीटों पर टिकट मांग रहे हैं दावेदार। डिडवाना से पूर्व मंत्री यूनुस खान हैं सबसे बड़े दावेदार, तो नागौर, मकराना और लाडनू सीटों पर भी मुस्लिम नेता कर रहे हैं दावेदारी। भाजपा ने भी मुस्लिम बहुल सीटों का सर्वे करवाकर किया था आंकलन। विधानसभा चुनाव से पहले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की उन 15 विधानसभा सीटों का भी सर्वे कराया है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। वहीं अगर बात की जाए नागौर और डिडवाना जिले की, तो यहां की नागौर, मकराना, डिडवाना और लाडनू सीटें भी इन 15 सीटों में शामिल है। इससे इस बार के चुनाव के लिए ये संभावना भी जगी है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी कुछ सीटों पर टिकट दे सकती है। नागौर विधानसभा प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा तादाद में है। ऐसे में नागौर विधानसभा सीट से मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को टिकट देकर भाजपा मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री कासम राठौड़ ने उम्मीदवारी जताई है। वहीं डिडवाना में भी मुस्लिम मतदाता 30% से अधिक है। यहां से भाजपा की टिकट पर यूनुस खान 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार भाजपा ने यूनुस खान को डिडवाना की बजाय टोंक में सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ने भेज दिया था, जिसमें यूनुस खान को हार का सामना करना पड़ा। मगर इस बार यूनुस खान फिर से अपनी परंपरागत सीट डिडवाना से ही दावेदारी जता रहे हैं। इसी प्रकार लाडनू से युवा चेहरे तस्लीम आरिफ मुन्ना ने अपनी उम्मीदवारी जताई है। तस्लीम आरिफ पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके साथ अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य दावेदारों ने भी नागौर जिले की सीटों से अपनी मजबूत उम्मीदवारी जताई है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नागौर और डिडवाना जिले की कुछ सीटें भी इस सूची में शामिल हो सकती हैं। माना जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की ओर से टिकट वितरण में मुस्लिम दावेदारों को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान की 40 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी है, जिनमें से 15 सीटों पर तो भाजपा ने सर्वे भी कराया है। ऐसे में परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार भाजपा मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक टिकट देकर दांव खेल सकती है। राजस्थान के अंदर आने वाली विधानसभा चुनाव में 168 सीटों के तहत भाजपा जीत दर्ज करेगी। अभी आचार संहिता लग चुकी है, अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में अल्पसंख्यक समुदाय अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में अभी हाल ही में पंचायत समिति चुनाव हुए और मुझे वहाँ प्रदेश नेतृत्व द्वारा, राजस्थान द्वारा वहाँ की जिम्मेदारी दी। 5 पंचायत समिति सदस्यों के टिकट मुस्लिम समाज को पंचायत समिति चुनाव में दिए, जिनमें से 4 सदस्यों ने भाजपा का कमल खिलाया और परचम मुस्लिम समाज द्वारा भाजपा का, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार पश्चिमी राजस्थान में आऊ फलोदी भाप में मुस्लिम समाज ने भाजपा का कमल खिलाया। और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी राजस्थान, नागौर, फलोदी, लोहावट, होशिया, शेरगढ़, परमाणु नगरी, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर की गुड़ा मालानी और पाली, माउंट आबू, आबू रोड और जोधपुर शहर सरदारपुरा में यहाँ पर भी भाजपा का कमल खिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये सरकार निकम्मी है, इससे जनता परेशान है, अल्पसंख्यक विरोधी है, हर समाज परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की और अब मुस्लिम समाज का रुख काबिल, मुस्लिम समाज भी इसकी तारीफ के काबिल हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा के अंदर मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मेरा समाज, मुस्लिम समाज भी जुड़ रहा है। और आगे भी हमने भी नागौर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी होने के नाते हमने भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब हमीद मेवाती के नेतृत्व में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भाई साहब को भी, हमने भी प्रदेश नेतृत्व को, मैंने भी नागौर विधानसभा से डॉक्यूमेंट पेश किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कोई भी हो वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकता है। इसी के तहत मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का नागौर विधानसभा शहर, नागौर विधानसभा से मैंने भी यहाँ से अपना नामांकन के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी के लिए
मांग की है। हाँ, आला कमान चाहे तो हमें दे या ना दे, हम तो भाजपा के अंदर काम करते थे और करते रहेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी का कमल ऐसे ही राजस्थान के अंदर खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा आला कमान का जो भी निर्देश होगा वो सब पालना होगी। आपका अपना कासम अली राठौर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, प्रदेश मंत्री, राजस्थान। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। जहाँ तक आने वाले समय में चुनाव का सवाल है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पार्टी जिस कार्यकर्ता को उचित समझती है उसको यह अवसर प्रदान करेगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस डीरवाणा शहर के विधानसभा क्षेत्र में, डीरवाणा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया है 4 बार, तो मैं उनका ऋणी हूं पार्टी का और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी आगे भविष्य में क्या निर्णय करती है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जो भी आएगा उनका स्वागत है, पार्टी का काम करेंगे।